मैं हूं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विरल। वेलकम टू लेट्स बिल्ड डेस्टिनी, अ पावरफुल प्लेटफॉर्म टू शेयर पावरफुल थॉट्स। मैं आज का ये वीडियो अपनी कम्युनिटी के लिए बना रहा हूं। पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे, हर जगह थ्रू व्हाट्सएप एक ही चीज़ चल रही है, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल सही हुआ, यही होना चाहिए था, डॉक्टर्स के साथ तो यही होना चाहिए था, बिकॉज वो लोग पेशेंट्स को बहुत टूटते हैं, पेशेंट को हैरेस करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट व्रीटमेंट तो करते हैं नहीं और पैसे कमा लेते हैं, तो ये सही हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ, वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं स्पेशली मेडिकल कम्युनिटी में तो मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। अब देखिए सही है या गलत, ये हर एक के दिमाग में अलग अलग चीज़ें के साथ वो डिसाइड करते हैं कि सही हुआ गलत हुआ। लेकिन आज हम कुछ बातें शेयर करेंगे, मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँगा, मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैसेजेस शेयर किए हैं, आपने उन लोगों को अप्रिशिएट किया है। तो आज का ये वीडियो, ये मैसेज मेरी कम्युनिटी के लिए, मेडिकल कम्युनिटी। हालांकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इज नॉट अ मेजर थिंग, कि उसमें क्या बड़ा हो गया, किसी पेशेंट ने डॉक्टर को मारा उसमें क्या बड़ा हो गया। हाँ चलो डॉक्टर ने किया होगा, कुछ बोला होगा या कुछ तगड़ी फील लिया होगा तभी जाके ये हुआ, तो ये चीज़ नहीं है दोस्तों। जैसे कि पहली चीज़ तो हेल्थ किसके हाथ में है, हमारी हेल्थ क्या डॉक्टर के हाथ में है, क्या डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हेल्थ? तो नो, आप सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ हमारे हाथों में है, हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा स्ट्रेस लेवल, हम कितने अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस हैं। लाइक इफ़ वी आर डूइंग हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज, अगर कुछ छोटा मोटा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, या क्या हम उसको सीरियसली लेते हैं कि नहीं ये कुछ गलत सा हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर? तो जी नहीं। ऐसा बोलते हैं एक सर्वे के मुताबिक इन इंडिया 64% ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, दे आर नॉट डूइंग हेल्थ चेकअप रेगुलरली। बस एक ही चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ गई है, डॉक्टर्स बन जाओ मतलब पैसे कमा लो। पैसे कमाने के जरिए क्या है, डॉक्टर्स बन जाओ पैसे कमा लो, कुछ करना है नहीं, बस अपनी कैबिन में बैठ के दवाई देखते रहना है, आपको पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी बंगला घर गाड़ी सब कुछ आपके पास हो जाएगा। ये हमारी कम्युनिटी के अंदर एक इंप्रेशन जम गई है, बैठ गई है, जिसके वजह से आज ये वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हो रहा है। हम लोग डॉक्टर्स को एक भगवान की तरह नहीं देख रहे हैं, या चलो भगवान तो छोड़ो, अगर आप भगवान की तरह नहीं देखना चाहते तो, लेकिन हम लोग एक गलत चीज़ अपने दिमाग में लेके बैठ गए हैं कि डॉक्टर्स हमेशा लूटता है पेशेंट को, या डॉक्टर्स पेशेंट के साथ कुछ ठीक नहीं करता है, या अगर वो कुछ बोलता है कि आपके शरीर में ये है रिपोर्ट्स करवा लो, या फिर मान लो कि ये है मेडिसिन ले लो, या फिर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, डाइट को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं यार, डॉक्टर्स को बोलते रहते हैं कुछ नहीं है, वो तो दो तीन में ठीक हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमारे कम्युनिटी के अंदर ही गलत चीज़ बैठ गई कि डॉक्टर्स मतलब पेशेंट को लूटता है, डॉक्टर्स मतलब पेशेंट के साथ गलत करता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हम लोग पहला ये सोचते हैं कि यह सही हुआ, जो हुआ वो सही हुआ। तो चलिए सोचते हैं आज एक चीज़ के बारे में, जब हम लोग एक फिल्म देखने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, कोई फिल्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, या कुछ कुछ जगह पे हम लोग टूर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि चलिए भाई इस वीकेंड पे हम लोग 2 दिन या 3 दिन यहाँ पर हम जाएंगे, या फिर चलिए फिल्म देखते हैं। तो जैसे फिल्म देखने के लिए आप जा रहे हो तो फिल्म की टिकट होती है 150 रुपये, 200, 350, 400, 500 तक होती है, हम वो लोग ले लेते हैं, फिल्म में मज़े करते हैं, बीच में कुछ पॉपकॉर्न वगैरह भी खाते हैं, जिसके कुछ यू नो प्राइस में बताऊँ तो 200 या 150 या 100 रुपीज़, या डिपेंड्स ऑन द सिटीज और डिपेंड्स ऑन द थिएटर्स, कि हम लोग वो लेते हैं, वो भी हम एंजॉय करते हैं, फिर ओके फिल्म खत्म हो गई, एंजॉय किया, फिल्म ठीक लगी तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग गाली देके निकल जाते हैं कि यार फिल्म तो बहुत बकवास थी, ऐसी फिल्म में पैसा नहीं देना चाहिए था, क्या आप उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आप वायलेंस करने जाएंगे? फिल्म ठीक नहीं लगी ना तो जाइए वो डायरेक्टर को मारिए ना, क्यों नहीं मारते आप वो डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को, क्यों नहीं वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आप ट्विटर पे बात करते कि यार व्हाट अ स्टूपिड फिल्म यू आर डूइंग एंड माय मनी, मैंने तो बड़े मनी पैसे मैंने गिरा दिए, मैंने 150 रुपये की टिकट ली थी, हम लोग 6 जन थे, 600 रुपये का मैंने मेरे को तो घाटा हो गया, GST इंक्लूड कर लो या कन्वीनियंस भी इंक्लूड कर लो, तो हम लोग वो क्यों नहीं करते? ठीक है फिल्म खत्म हो गई, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर खाना खाया, 1500, 2000, 3000 का बिल आया, वो भी हम लोग इजीली वो पे कर देते हैं, वहाँ पर कोई महंगाई नज़र नहीं है। वहाँ पर हम अगर खाना अच्छा भी नहीं हुआ ना तो हम होटल वाले को जाके खाली इतना बोलेंगे, शायद बोलेंगे तो बोलेंगे, तो इतना बोलेंगे कि यार देखो भैया खाने में मज़ा नहीं था, बहुत ही बकवास खाना था, लेकिन क्या आप उसके साथ वायलेंस करते हो कि यार तूने खाना बहुत बेकार बनाया, कहाँ तेरा शेफ बाहर बोला मैं उसको मारना चाहता हूँ, नहीं करेंगे। या फिर उस दिन पर जो भी खर्चा हुआ 5000 रुपये का, वो लोग
वो खर्चा हम लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए था ऐसा करके हम भूल जाएंगे कि चलो जो हुआ ठीक हुआ या चलो हो गया, ऐसा करके हम उसको भूल जाते हैं, ना कि हम किसी के खिलाफ वायलेंस करते हैं या फिर ना कि हम अपने दिल को ऐसे दो दिन सैड होकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे तो 5,000 रुपये चले गए, ऐसा करके हम लोग नहीं बैठते हैं। और उस जगह में महंगाई भी नहीं नज़र आती है क्योंकि हम लोग यू नो एंजॉयमेंट करके आए हैं। फूड अनहेल्दी था, आपने जो मूवी देखा उसमें शायद आपके किड्स को कुछ अनयूजुअल मैसेज मिला होगा, वायलेंस मिला होगा शायद, उसके अंदर बहुत सारी फाइटिंग्स यू नो बीड़ी सिगरेट अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हुए नज़र आते होंगे एक्टर एक्ट्रेसेस, तो मैसेज भी गलत कन्वे हो रहा है आपके साथ। आपने जो बाहर फूड खाया वो बहुत ही अनहेल्दी फूड खाया, आपने शायद बहुत ही अनहेल्दी था वो मैदा खा रहे हो या वॉट एवर द योर द फूड इज यू आर टेकिंग इज वेरी अनहेल्दी फूड आपने खाया, फिर भी यू आर हैप्पी, आपने अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब जब एक स्टेज आता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि यार आई थिंक यू आर हैविंग डायबिटीज़ और आपको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम लगती है या आपको ये वगैरह कुछ लगता है, तो आप प्लीज़ जाके रिपोर्ट्स करवा लीजिए, सोनोग्राफी वगैरह करवा लीजिए सो आई कैन डायग्नोस माई केस। तो हम लोग बोलते हैं कि यार यही होता है, वो डॉक्टर हमें लेबोरेटरी के पास ही भेज देता है, सोनोग्राफी करवाता है, एक्सरे करवाता है, बेकार की चीज़ें करवाता है, और हम लोग न जाने कितनी गालियाँ देते हैं डॉक्टर्स को। उस टाइम पे हमें नहीं मालूम होता कि हम अपनी हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पहली चीज़, हमारी हेल्थ हमारे हाथों में, ना कि कोई डॉक्टर्स के हाथ में, ना कि आपके भाई के हाथ में, ना कि आपके पेरेंट्स के हाथ में, ना कि आपके नेबर के हाथ में। अच्छा डाइट रखिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, कुछ छुट्टियाँ बिताइए अपनी फैमिली के साथ, कुछ टाइम बिताइए अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हम वो सब करते नहीं, अपनी हेल्थ को गवा बैठते हैं। जैसे कि 85 ईयर्स ऑफ पेशेंट अगर कोई मर जाता है तो हम लोग यही बोलते हैं, अगर वो जाता है वहाँ पर मतलब डेड हो जाता है, डॉक्टर्स बोलता है कि इज नो मोर, प्लीज़ आप उसको घर पे ले जाइए, तो पता नहीं क्यों इसी की वजह से कोई लोग वायलेंस कर बैठते हैं कि यार डॉक्टर कुछ करता नहीं है, बोलते यार डेड हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स जानता है कि क्या हुआ है, वो पेशेंट सच में डेड हो गया है, लेकिन 85 ईयर्स तक उसने ना अपने हेल्थ पर कुछ ध्यान दिया है, उसने ना हेल्थ चेकअप्स करवाए हैं, डायबिटीज़ था उसको, हार्ट डिसीज था, ओबेसिटी थी, शायद 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था, लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट कॉन्शियस, ही इज़ स्मोकिंग, ही इज़ अल्कोहलिक, एवरीथिंग। और जब वो डेड हो जाता है, और जब हम लोग डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इज डेड, इज नो मोर, और हम लोग वायलेंस कर बैठते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, तो पहली चीज़, हम इंडियन कम्युनिटी है, हम लोग शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हमारी कम्युनिटी में है, तो पहली चीज़ हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नाउ हमारा जो रिलेटिव है, शायद वो हमारे फादर हो, मदर हो, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है, नाउ ही इज नो मोर। सो फर्स्ट थिंग हमको ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, डेथ इज इनएविटेबल थिंग, मौत को हम नहीं टाल सकते, वो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मौत को टाल दिया हो, चाहे उसके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी पैसा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो यू नो बड़ा सा बिजनेसमैन क्यों ना हो, मौत हर किसी को आती है और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर्स तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो प्लीज़ अपने ब्रेन को रिकंडीशन कीजिए, रीवायरिंग कीजिए कि हमारे मौत के फिर पीछे जवाबदार हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स इग्नोरेंस करते हैं, डॉक्टर्स ये करते हैं, डॉक्टर्स वो करते हैं, ध्यान नहीं देते, हम लोग वहाँ पर गए वो डेड था, डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं, हो सकता है कि आपका आदमी मर चुका हो लेकिन 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को पा सकते हैं, शायद वो कुछ एफर्ट्स करेंगे तो वो मौत से बाहर आ जाए, वो भी मौत और जिंदगी के बीच में खेल रहे हैं, तो शायद डॉक्टर्स के दिमाग में वही चल रहा होता कि मैं उन लोगों को कैसे बचा लूँ, कौन सी मेडिकेशन दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो आपको बोलता था कि इज नो मोर, वो डेड हो चुका है, प्लीज़ आप उसको ले जाइए, वो वहाँ से फटाफट चल देता है, शायद वो 2 लोगों को बचाने के लिए, और हम लोग क्या समझते हैं डॉक्टर्स तो यही करता है, कुछ ध्यान ही नहीं दिया और हम लोग वायलेंस कर बैठते हैं। यार डॉक्टर भी एक इंसान है, इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू नो जैसे आपका फैमिली है, जैसे आपके बाल बच्चे हैं वैसे डॉक्टर्स का भी फैमिली है, वैसे उसके भी बाल बच्चे हैं, जैसे एक आर्मी जवान अपने देश के लिए हमेशा वहाँ पर तैनात रहता है ना, डॉक्टर्स भी हमेशा आपकी हेल्थ को बचाने के लिए, आपको अच्छा सा हेल्थ देने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। डॉक्टर्स को मैं आर्मी जवान के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर रहता है, वो बहुत सारे सेक्रीफिसेस करता है, सैटरडे संडे कुछ भी हो, उसके लिए कोई संडे नहीं होता, उसके लिए कोई सैटरडे हाफ डे नहीं होता, उसके लिए कोई सैटरडे छुट्टी नहीं होती, उसके लिए बस एक साल में दिवाली पे या कोई जगह वो बस एक हफ्ते का वैकेशन लेके अपने फैमिली के साथ चला जाता है, दैट इज इनफ, उसके लिए कोई वीकेंड नहीं होता, वो हमेशा रात को भी, अगर मान लो कि एक सिनेरियो आप इमेजिन कर लो, रात को 1:30-2 बजे आपके फादर को या आपको चेस्ट पेन शुरू होता है, आपको पता है कि यार माइट बी इट इज़ हार्ट अटैक, आप क्या करते हो, हाँ हेलो डॉक्टर, सीधे डॉक्टर के पास जाते हो,
उस टाइम पे आप क्यों नहीं सोचते कि जो वायलेंस हो रहा है वो गलत हो रहा है। डॉक्टर्स कम्युनिटी को एक होना पड़ेगा, दैट इज माई मैसेज फॉर डॉक्टर कम्युनिटी, वो एक हो रहे हैं, उनको जुड़ना पड़ेगा, फाइट देनी पड़ेगी लॉज लाने के लिए, जो हम लोग करेंगे। और मेरी कम्युनिटी को मैं बोलता हूँ, आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ खड़े रहिए, प्लीज़ स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, दैट इज़ वेरी बैड थिंग। हम लोग बहुत सारे मैच्योर लोग हैं, बहुत सारी समझ है हमें, फिर वायलेंस क्यों कर रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ। तो मेरी कम्युनिटी के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ रिकंडीशन योर ब्रेन, रीवायरिंग योर ब्रेन, पहले अपने दिमाग की जो भी गलत छवियाँ हैं ना उनको दूर कीजिए डॉक्टर्स के खिलाफ। डॉक्टर्स को समझिए, इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, उसकी भी फैमिली है, वो भी अपने बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, वो भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर्स बनने में उसने अपने बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारे सालों को सेक्रीफाइस किया होता है, उसने बहुत सारी पढ़ाई की होती है। शायद हो सके कि जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब हम लोग मूवी देख रहे होते हैं ना, एक बच्चा लगातार वहाँ पर पढ़ रहा है ताकि उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाए। और कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट मर जाए, उसका केस फेल हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता। ये आपके आपके दिमाग में गलतफहमी हो गई, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट मर जाए, उसका केस फेल हो जाए। क्यों चाहेगा वो ऐसा? बिकॉज ही ऑल्सो ह्यूमन बींग, वो भी चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। जैसे हर कोई चाहता है ना, कंप्यूटर इंजीनियर होता है तो वो चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल आईटी कंपनी खड़ी कर दे। जैसे कोई लोग चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, वो कोई लोग ऐसा चाहते हैं कि मतलब हम लोग फेल हो जाए अपने बिजनेस में, चलो सब रफा दफा कर देते हैं, चलो एक बेकार सा सॉफ्टवेयर बना देते हैं ताकि हम लोग फेल हो जाए अपनी ब्रांच में, कोई लोग ये सोचता है। तो वैसे डॉक्टर्स भी कभी ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट डेड हो जाए, उसका केस फेल हो जाए, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल डॉक्टर, ही वॉन्ट्स टू बी गुड डॉक्टर। तो ये चीज़ को समझिएगा, ये मैसेज को समझिएगा, पहले अपने आप को, अपने आप के ब्रेन के अंदर जो भी छवियाँ है ना डॉक्टर्स के खिलाफ, जो भी आप सोच रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, वो चेंज कीजिएगा। 1-2% की वजह से पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती, पूरी कम्युनिटी खराब नहीं हो सकती। जैसे हम लोग गेहूँ लेते हैं, कंकर होता है तो कंकर हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे गेहूँ को संभाल के रखते हैं। वैसे ही जस्ट 1-2% मे बी 1-2% पीपल्स आर लाइक दैट, आई कैन एग्री विद दैट, बट इट्स नॉट दैट होल कम्युनिटी इज लाइक दैट, पूरे डॉक्टर्स ऐसे हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। डोंट जज प्लीज, एंड सपोर्ट डॉक्टर्स, ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज। उसने वो सब पढ़ा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, सब उसने पढ़ा हुआ है, फिर वो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बस बैठ गया और आपके साथ कुछ भी दवाइयाँ लिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डोंट गूगल द थिंग्स, गूगल पे कुछ भी ऑथेंटिकेट नहीं होता। किसी को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गूगल पे डाल देता है, कोई वो इसी उसी इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता रहता है। कई सारे ब्लॉग्स आते हैं एक ही आर्टिकल पे, अगर आप लिखोगे ना कि बेनिफिट्स ऑफ दिस तो बेनिफिट्स बताएगा, अगर आप लिखते हो कि मिस यूज़ ऑफ दिस तो वो मिस यूज़ भी बताएगा, सब बताएगा। तो गूगल इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट, आप जाइए डॉक्टर्स पे, ट्रस्ट कीजिए, वो क्या कहता है वो कीजिए। एवरी ईयर आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज प्लीज डू द हेल्थ चेकअप जरूर कीजिएगा। 30 ईयर्स की एज के बाद इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या गलत हो रहा है, आप उसको उसी टाइम पे प्रिवेंट कर सकते हो। अपनी डाइट को आप चेंज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को मिसजज मत कीजिएगा, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1-2। तो ऐसा मत कीजिएगा, डॉक्टर्स के पास ट्रस्ट कीजिएगा, उसको मिसजज मत कीजिएगा, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जो भी लोग ये समझ रहे हैं ना, डॉक्टर्स जो नहीं है और जो लोग ये समझ रहे हैं, इस मैसेज को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो प्लीज़ मेरी ये बात को आप कन्वे करने की कोशिश कीजिएगा, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिएगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो आई एम वेरी मच सॉरी, लेकिन दिस इज़ फ्रॉम माई हार्ट, दिस इज़ फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम माई कम्युनिटी एज अ डॉक्टर। आई कैन फील द थिंग्स, यू नो, जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर को पता है उसकी फील्ड के अंदर क्या क्या होता रहता है, वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं बन जाता और उसको भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही ऑनली डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन दर लाइफ, यू नो, वो ब्रांच, डॉक्टर ब्रांच कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट इज़ नॉट एन ईजी कि डॉक्टर बन गया पैसा कमा लिया, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग्स, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए भी उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हमने बताया कि उसके लिए ना कोई संडे होता है ना कोई सैटरडे होता है, पेशेंट की जान ही उसके लिए सब कुछ होती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड थिंग्स एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स प्लीज़। So again,
Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for listening to me. This is from bottom of my heart for my community. And हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. थैंक यू. ओवर एंड आउट.